कि आज 12 नवंबर के जो मसला था एयरफिंग की जमानत के बेल अपेशन दाखिल की थी, 23 तारीख को अदालत के सामने चुके 3 CRA 74, 75, 76 कुछ बेल अपेशन, कुछ लोग डबल डबल है तो एक ही सिंगल लगी थी, डबल नहीं लगी थी, वो अदालत को बताया गया था। तो अदालत ने 74, 75, 76 तीनों CR की एक साथ सब मैटर पैक किए, तो तमाम बेल अपेशन रखे थे। तमाम बेल अपलेशन में सीनियर काउंसिल कदम साहब है, सीनियर वकील महेंद्र संदानशु, एनआर बुगना, निरंजन मुंदरगी साहब है, हिंगोले साहब है, ऐसे 7-8 मुख्तलिफ अच्छे अच्छे वकील सबके लगाए, सब मौजूद थे। बोलने के बाद पूरा रखा गया। लास्ट टाइम में कोर्ट तारीख नहीं दे रहा था, लेकिन किसी वजह से तारीख दिया। आज सीरियल नंबर 44 पर तमाम बेल अपलेशन थे, सबकी तैयारी में मैटर थोड़ी शुरू हुआ, लेकिन जो सरकारी वकील मेन है वो भी मुख्तलिफ है, 3 सरकारी वकील अलग अलग, तो मेन सरकारी वकील जो है अरे बोल के उन्होंने टाइम मांगे कि वो बोले कि भाई सब फसाद का मामला है, 307 है लगातार, हम एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, उसकी वजह से टाइम आए। सीनियर कदम साहब ने बताया कि सर एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल दी है, कई लोगों के नीचे बेल भी दी है, और पत्थरबाजी में जो मार लगा है घुटने के नीचे लगा, उसको 307 भी नहीं लगता। और ये जो VC वगैरह बोल रहे, CC कैमरे बोल रहे, तो खुद उनके स्टेटमेंट है लता धोंडे का, और इनका क्या ऐसे कोई कैमरे थे, लेकिन जहाँ पे पत्थरबाजी हुई उसमें कोई चेहरे नहीं आए, कुछ नहीं, वो रिकॉर्डिंग, लेकिन बोले ये चीज़ हम एफिडेविट देंगे, बोले हम दोबारा भी दाखिल कर सकते हैं। तो अदालत ने बोले भी कि भाई दोबारा चाहे दाखिल करेंगे तो हमें 8 महीने से उसका क्या, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किए, तो अदालत ने एफिडेविट फाइल करने के लिए आखिरी चांस दिया है। और उन्होंने बोले कि भाई जो कुछ भी है हमारे पास मवाद, तो हाईकोर्ट में ऐसे कि ज़बानी नहीं होती है, वो एफिडेविट फाइल करना बोलते हैं, तो एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल करने के लिए उन्होंने तारीख मांगी, 21 तारीख को रखा था, लेकिन बोले साहब 10 मैटर है, हमको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो अदालत ने आखिरी तारीख दी है और 21 तारीख तक इन्होंने एफिडेविट फाइल करना तीनों CR में, और 25 तारीख को फाइनल हियरिंग रखी। इंशाल्लाह 25 तारीख को आखिरी समाप्त होंगे और इंशाल्लाह ऑर्डर्स हो जाएगा, या रिजर्व रख के कोर्ट 1-2 दिन के बाद में भी ऑर्डर कर सकता है। और एफिडेविट फाइल करने के लिए कैसे सरकारी वक्त लोग आज भी कैद बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहाई हो, और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशियरी पे कि आने वाले हफ्ते में उनकी बेल मंजूर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट का जो रवैया था वो एकदम क्लियर था कि जो भी बोलना है सरकारी वकील को या पुलिस डिपार्टमेंट को, वो आखिरी इस हफ्ते में बोले, इसके बाद अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो अंदाज ये है कि इंशाल्लाह जज साहब अपना फैसला करेंगे। और जुडिशियरी सिस्टम स्लो होने की वजह से हमें तकलीफ हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे साथ में रिजवान भाई के लड़के इमरान बैटरी वाले, नासिर भाई के लड़के नज़ीर और उनके रिश्तेदार मंसूर खान, इमरान के वालिद जाहिद, मेमन के वालिद अनीस टाइगर, ऐसे तमाम ही लोग और कई अफराद यहाँ पर मौजूद थे। कई सीनियर काउंसिल हमने अलग अलग खड़ा किया था ताकि उसमें अलग से कोई बात ऐसी बन जाए कि बेल अप्लीकेशन में आसानी हो। आज मालेगांव 12 नवंबर के कैदियों का हाईकोर्ट में बेल अप्लीकेशन रखा गया था, तकरीबन 25 से ज़्यादा मैटर थे। 4 बजे में मजिस्ट्रेट जमादार साहब के पास मैटर लगा, मगर ईडी के ऑब्जेक्शन के बाद मजिस्ट्रेट ने आखिरी तारीख एक हफ्ते की एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया है। और कोर्ट ने आज सख्ती से बोला है कि ये एक हफ्ते के अंदर सरकारी वकील को और पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी बोलना है वो एक हफ्ते के अंदर इस पर बोले, क्योंकि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई पेपर, कोई कागजात, कोई CCTV फुटेज प्रोड्यूस नहीं की, जिसकी वजह से PP ने टाइम मांगा, और वो 2 हफ्ते का टाइम मांग रहा था, मगर मजिस्ट्रेट साहब ने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और सख्ती के साथ बोला है कि वो जल्द से जल्द जो है पेपर प्रोड्यूस करें, CCTV अगर उनके पास फुटेज है वो प्रोड्यूस करें, ताकि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि आज 13 जुलाई को कैद बंद की सोबतें झेल रहे कई लोगों को आज मुकम्मल 8 महीना हो गया है। मालेगांव सहरियान से भी हम अपील करते हैं कि वो इन लोगों के लिए दुआ करें कि लगभग 30 से ज़्यादा लोग आज भी कैद बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहाई हो। और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशियरी पे कि आने वाले हफ्ते में उनकी बेल मंजूर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट का जो रवैया ने मुद्दत मांगी इसलिए अदालत को देना पड़ा है। कल को पुलिस ये नहीं बोलना कि भाई हमको मौका नहीं दिया गया, नीचे हमने तक किए थे, इसलिए एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने के लिए बताया कि 3 दिन आपस है,
तीनों आपसी अलग नहीं हुए थे। कोर्ट ने बोले तुम 500-500 2000 आदमी के एलिगेशन है और 7-8 आदमी को पर केस है, तो किसका क्या रोल है वो भी हमने बताया कि भाई ऑलरेडी लता मैडम ने एक चार्ट पेश करी थी और वो चार्ट में किसका क्या रोल है, किसके पास लकड़ी मिली, किसके पास से हथियार मिला, किस मतलब हथियार बोले तो जो रॉड मिला, पाइप मिला, सब कुछ है, किसके पास से पैसे मिले या क्या है, वो तमाम चीज़ें चार्ट में दी हुई है। तो बोले चार्ट में जो दी हुई है ये मैं एफिडेविट फाइल करना चाहता हूँ। अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, अदालत ने आखिरी बार उनको ऑर्डर लिखा है और आखिरी बार टाइम दिया कि 21 तारीख तक एफिडेविट फाइल करना है। तो 21 की हियरिंग के बदले बोले हमको और 2-3 रोज का टाइम दिए, तो कोर्ट ने बोले 21 का एफिडेविट करो, एफिडेविट की कॉपी सब वकीलों को सर्व करेंगे ताकि उसका भी अपन स्टडी कर लें, और फिर 25 को आखिरी समात रखा है, तो इंशाल्लाह 25 तारीख को किसी अदालत में मुकम्मल समात हो जाए। हम लोग पूरी उम्मीद है, तमाम उकला का सबका जहन एक है कि केस में कोई दम नहीं है, और आज इत्तेफाक से लोगों ने देखे भी 2-4 मर्डर केस में जिसमें ज़्यादा भी मार लगा तो अदालत ने बेल दिया है। जज साहब भी अच्छे हैं, बारीकी से पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम की बेल हो जाएगी।